आप सभी को फिर से स्वागत है। बच्चों, आपने तो रेलगाड़ी देखे ही होंगे। रेलगाड़ी चढ़ने के लिए पहले हम लोग टिकट खरीदते हैं, उसके बाद स्टेशन जाते हैं। स्टेशन के अंदर जाकर रेलगाड़ी पर चढ़ते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन आज हम लोग आपके जो पाठ्य पुस्तक है भाषांजलि पाठ एक में रेलगाड़ी कविता में लम्बू जी बिना टिकट रेलगाड़ी में चढ़ गया था और क्या हुआ ये हम लोग आगे जाकर रेलगाड़ी कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं लम्बू जी का क्या हुआ था। रेलगाड़ी गाड़ी करती छुक छुक छुक, लम्बू कहता रुक रुक रुक, डिब्बा कहता घुस घुस घुस, लम्बू चढ़ गया चुप चुप चुप, इंजन बोला फुक फुक फुक, गाड़ी चल दी छुक छुक छुक। आगे थी एक भैंस खड़ी, गाड़ी से वो नहीं डरी, गाड़ी रुक गई चू चर, भैंस गिर पड़ी धड़ाम धर। लम्बू था बिना टिकट, उतर के भागा टिक टिक टिक, आगे जाकर पकड़ा गया, बिना टिकट का मजा आ गया। तो कैसा लगा रेलगाड़ी कविता, आप लोग इसे फिर से दोहराइएगा। थैंक यू।